दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले सोलोपोज प्लस टैबलेट के बारे में। इसमें इथिजोलाम 0.5 एमजी और एसिटिलोप्राम 10 एमजी कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 127 रुपए है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। सोलोपोज प्लस टैबलेट एक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाने वाली दवा है जिसे डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक मिश्रण दवा है जो कि तांत्रिक कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधियों को कम करके मस्तिष्क को शांत करती है। यह मस्तिष्क के कुछ केमिकल मैसेंजर के स्तर को भी बढ़ाता है जिससे मूड में सुधार आता है। सोलोपोज प्लस टैबलेट भोजन के साथ ले साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। हालांकि इसे हर दिन एक समय पर ही लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित डोज और डोज की टाइमिंग के अनुसार ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें आदत निर्माण क्षमता ज्यादा है। इसकी आदत लग सकती है। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। चाहे आप बेहतर महसूस करें तो भी दवाई का पूरा कोर्स खत्म करें। यह आवश्यक है कि इस दवा को अचानक से लेना बंद न किया जाए क्योंकि इससे विड्रॉल लक्षण हो सकता है। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है जैसे मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, उलझन जैसी समस्या, इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती है। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम ना करे जिसमें मानसिक एकाग्रता की जरूरत हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।